स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर का पैरीमीटर निकालते हैं। पैरीमीटर सीरीज चल रही है, पहले रेक्टेंगल का पैरीमीटर निकाला, उससे पहले इंट्रोडक्शन थी पैरीमीटर की, और आज अभी इस वीडियो में हम स्क्वायर का पैरीमीटर निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले समझते हैं, दिमाग में लाते हैं कि स्क्वायर किस तरीके से दिखता है। हमें पता है स्क्वायर वो फिगर है, वो शेप है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की चार साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारे सामने स्क्वायर है ए बी सी डी। मैंने ये हालांकि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लग रही है, लेकिन स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो ऐसे लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की? ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। यानी कि ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अगर मैं एक साइड ए बी को ए सेंटीमीटर या ए मीटर मान लेता हूं, तो बी सी भी ए होगी, सी डी भी ए होगी, और डी ए ऑलरेडी ए लिखा होगा। फोर टाइम्स ए, तो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर इज 4a। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ये पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का, जनरल फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखेंगे आप। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a। अब आपके सामने स्क्वायर की कोई भी एक साइड दी जाती है, तो आप उसके बेस पे आप स्क्वायर का पैरामीटर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से मेरे सामने एक स्क्वायर फिगर है और उसकी एक साइड इज 15 सेंटीमीटर, तो क्या आप उसका पैरामीटर निकाल सकते हो? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर एक भी साइड पता है तो हम पैरामीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर इज वॉट? सारी बाउंड्रीज का सम। चार बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्री 15 सेंटीमीटर की है, तो चार बाउंड्री कितनी की हो जाएंगी? ये फॉर्मूला है, ये हमने इसको यूज किया, 4 इंटू 15 सेंटीमीटर, या फिर हमारी 15 4 60, या 4 15 60, मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होती है। चाहे पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर वही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर का पैरीमीटर निकाला। जनरल फॉर्मूला इज व्हाट? 4 इंटू ए पैरीमीटर का। अगर कोई भी एक साइड दी हुई है तो आप आराम से उसका पैरीमीटर निकाल सकते हो स्क्वायर फिगर का। अब आप कोशिश करिए घर में कुछ ऐसी फिगर्स देखने की, सिमेट्रिकल फिगर्स, उसका पैरीमीटर प्रैक्टिकली निकालने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल, घर में कोई टेबल है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है या स्क्वायर शेप का होता है, ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, तो उसका पैरीमीटर निकालने की कोशिश कीजिए। नोटबुक है, नोटबुक में पेपर होता है, उसका पैरीमीटर निकालने की कोशिश कीजिए। कोई ट्राइंगुलर फिगर है, उसका पैरामीटर निकालने की कोशिश कीजिए। तो जितनी प्रैक्टिकल तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, उतना हमारे दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है।